नमस्कार, गुरु चकाचक में आपका स्वागत है। आज हम 10, 11 और 12 अक्टूबर के करण जी के लेकर आए हैं। उम्मीद है आपके एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 10 अक्टूबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति ने योग पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 44 देशों के लगभग 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट, पेप्सिको इंडिया के चेयरमैन और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अहमद अल शेख। इन्होंने डी शिव कुमार की जगह ली है। शिव कुमार ने 4 साल की सेवा के बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अमेरिकी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है लीबिया। यह प्रतिबंध उस आदेश के जवाब में लगाया गया है जिसमें कुछ महीने पहले अमेरिका ने 8 देशों के नागरिकों को अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें लीबिया को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन ने किस देश की कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया है? आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया द्वारा लगातार 6ठे परमाणु परीक्षण के बाद चीन ने उत्तर कोरिया की कंपनियों को बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया अपना 90% व्यापार चीन के साथ करता है। नेक्स्ट, हाल ही में राइट लाइव ली हुड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है भारतीय वकील कोलिन गोंजाल्विस। उन्हें यह पुरस्कार भारत में रहने वाले वंचित नागरिकों के मानवाधिकार हासिल करने के बेहतरीन उपयोग करने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के वैकल्पिक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल गोल्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है रिया शर्मा। उन्हें यह पुरस्कार एसिड हमलों के पीड़ितों की मदद के लिए दिया गया है। रिया ने एसिड हमले में पीड़ित लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। रिया इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय है। नेक्स्ट, FTII का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनुपम खेर। आपको बता दें कि FTII का फुल फॉर्म फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। अनुपम खेर ने गजेंद्र चौहान की जगह ली है। नेक्स्ट, USIBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है निशा देसाई विश्वाल। USIBC का फुल फॉर्म है US इंडिया बिजनेस काउंसिल। नेक्स्ट, फुटबॉल विश्व कप 2018 के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन है? आंसर है आइसलैंड। आइसलैंड ने पहली बार विश्व कप में पहुंचा है। आइसलैंड 21वें फीफा विश्व कप में स्थान हासिल करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। पिछला त्रिनिदाद एवं टोबैको विश्व कप में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश था। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लड़कियों में आत्मविश्वास जगाना और उनका सशक्तिकरण कराना है। नेक्स्ट, किस परिषद ने पाकिस्तान फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? आंसर है फीफा परिषद। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने फ्रीचार्ज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है संग्राम सिंह। उन्होंने जेसन कोठारी की जगह ली है। वर्तमान में फ्रीचार्ज का लगभग 80 करोड़ रुपए का राजस्व है। IREDAA के साथ रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस ने कितने रुपए का समझौता किया है? आंसर है 300 करोड़। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार ने दूरस्थ क्षेत्र में बिजली प्रदान करने हेतु किस चीज़ की शुरुआत की है? आंसर है सौर ब्रीफकेस। इसका मकसद पहाड़ी राज्य के दूरदराज इलाकों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए है।
नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है। बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। नेक्स्ट, मोनाको के राजतंत्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। श्री विनय मोहन क्वात्रा को पेरिस में आवास के साथ मोनाको के राजतंत्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री क्वात्रा फ्रांस में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 12 से 13 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला यह ऐसा 48वां और राष्ट्रपति कोविंद द्वारा अध्यक्षता किए जाने वाला पहला सम्मेलन है। नेक्स्ट, साइबर स्पेस के 5वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? आंसर है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइबर स्पेस के 5वें वैश्विक सम्मेलन का 23 नवंबर 2017 को उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? आंसर है 8वां। संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर बरकरार है और चीन ने दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।